Hello students, good morning. Today we are going to discuss classification of resources, our chapter next part. In last video lecture, we have discussed about what are resources. Resources that are satisfy our daily needs are called resources. Today we are discussing classification. Means how we can classify these resources. We have 4 points. On which basis we can classify? On the basis of origin, accessibility, ownership and development. 4 bases are there we can classify. First, on the basis of origin. On the basis of origin, we can divide it resources in 2 types, biotic and abiotic. Biotic resources. What are biotic resources? Bio means life. Resources that are having life, living organisms such as plant, animals. Simple definition, resources that can obtain from living organisms are called biotic resources. For example, forest products, grasses, herbs, shrubs, crops, domestic animals and fish, birds, etc. बायोटिक रिसोर्सेज हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें हमारी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने में एक बहुत बड़ा रोल है. किसका? बायोटिक रिसोर्सेज का. उसके साथ साथ अगर हम इन रिसोर्सेज की बात करें तो बेटा बायोटिक रिसोर्सेज हैं, इनमें रिप्रोड्यूस और रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है, तो इसलिए हम इनको एक तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं. रिन्यूएबल का क्लासिफिकेशन अलग है लेकिन इनको हम रिन्यूएबल बोल सकते हैं. तो क्लियर, बायोटिक जो है रिसोर्सेज दैट आर हैविंग लाइफ. फॉर एग्जांपल एनिमल, बर्ड्स, प्लांट, हर्ब, शब्स, ऑल दीज थिंग्स आर बायोटिक रिसोर्सेज. क्लियर. नेक्स्ट, एबायोटिक रिसोर्सेज. बायो लाइफ, एबायो मीन्स नॉट हैविंग लाइफ. रिसोर्सेज दैट आर नॉट हैविंग लाइफ आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज दैट कैन ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग और एंड फिजिकल एनवायरमेंट. रिसोर्सेज दैट कैन ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स एंड फिजिकल एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट भी बोल सकते. फॉर एग्जाम्पल लैंड, सोयल, वाटर, एयर, रॉक्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज. इफ यू सी दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हाउ? फॉर एग्जाम्पल वी सी दीज रिसोर्सेज आर, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो वाटर रिन्यूएबल, बट सम थिंग्स आर नॉन रिन्यूएबल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी वी कैन डिवाइड इट ऑन 2 टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन रिन्यूड आफ्टर ए टाइम पीरियड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यू मीन्स दैट कैन न्यू अगेन. ओके, एग्जाम्पल के लिए हम वाटर देखते हैं. वाटर का हम सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. वाटर है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. डेली लाइफ में यूज करने के बाद वो वाटर क्या है, नीचे किस में चला जाता है? ड्रेन्स, नालियों में चला जाता है. नालियों में जाने के बाद वो क्या है, वो कहाँ लास्ट में जाकर वाटर मिक्स हो जाता है? कहाँ? ओशियंस में. ठीक है, सीज और ओशियंस में. ओशियंस से वाटर क्या है, वापस क्या होता है? इवापोरेट होता है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और फिर से क्या आती है? रेन आती है. इट मीन्स क्या है, जो वाटर हमने यूज किया था वो हमें दोबारा यूज करने के लिए मिल गया. कैसे? बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल है बेटा. वाटर है जो हम यूज करते हैं, वो वेस्ट वाटर, वो ड्रेन्स के थ्रू. ड्रेन्स बेटा, ड्रेन्स मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना. ड्रेन्स भी 2 टाइप की होती है. एक ड्रेनेज पैटर्न होता है जो हमारे घरों से पानी को आउट करने के लिए नालियाँ होती है, उसको बोलते हैं. एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, रिवर्स का सिस्टम होता है, जैसे कि इंडिया में इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और पेनिनसुला रिवर सिस्टम, तो उनको भी हम ड्रेनेज ही बोलेंगे. तो वाटर ड्रेन्स के थ्रू क्या है,
इसमें चला जाता है, पॉन्ड्स में, रिवर्स में। रिवर्स के बाद वो कहाँ चला जाता है, ओशियंस में। ओशियन से इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन होने के बाद वाटर वापस कहाँ जाता है, वाटर वापस जाता है क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, और वो क्लाउड की फॉर्मेशन होने के बाद थ्रो रेन वापस कम बैक ऑन अर्थ। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो एक टाइम पीरियड के बाद जिनको रिन्यू, एक बार जिनका यूज हो गया तो उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। ये रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, मीन्स इनकी जो क्वांटिटी है हम एक बार अगर यूज कर लेंगे तो वो हमें दोबारा नहीं मिल पाएगी। सिंपल से एग्जांपल देखते बेटा, कोल है या पेट्रोलियम है, दोनों में से एक को देते हैं। कोल है, कोल को हमने यूज किया, जलाया, चाहे इंडस्ट्रीज में है, कहीं भी है, हमने इसको यूज किया, उसके बाद क्या है, इसके बाद ये क्या है, डस्ट में चेंज हो गया। पेट्रोलियम है, पेट्रोल हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, उसके बाद ऐसा तो नहीं होता कि वापस से जो उसका स्मोक है वो वापस पेट्रोल में चेंज हो जाता, नहीं, इट मीन्स इट इज फिनिश्ड। और ये क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, ये फिक्स नहीं है, रिन्यू किया जा सकता, तो मीन्स इसकी इनकी क्वांटिटी हम काउंट करते भी नहीं है। इज दिस क्लियर, इनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें बेटा रिन्यूएबल में कौन कौन से, सनलाइट, विंड, वाटर, सैंड, ये सब किसके हैं, रिन्यूएबल, मीन्स इनको रिन्यू किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल में देखते हैं तो हम आयरन, गोल्ड, कॉपर, जितनी भी मेटल्स हैं वो हम क्या है, जो मेटल्स हैं चाहे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, इनको ऐसा तो है कि बेटा जहाँ तक ये हमें अवेलेबल हैं इनको एक बार ख़त्म हो जाए तो इनको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से निकाल कर और यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन इनका जो फिक्स, जो हमारे पास फिक्स अवेलेबल हैं ये हमारे पास, इनकी अमाउंट वो ख़त्म हो गई, उस दिन क्या है, उस दिन ये क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे वी कैन डिवाइड, बेसिस पे हम जो रिसोर्सेज है उनको फोर टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड नेशनल और फोर्थ इंटरनेशनल। फोर बेसिस पे हम ओवरनरशिप, ओवरनरशिप के नाम से ही आता बेटा, किसके ओवरनर, मीन किसके हैं ये, क्या ये इंडिविजुअल हैं, एक स्पेसिफिक पर्सन के हैं, या फिर कम्युनिटी के हैं, एक पूरी कम्युनिटी के लिए हैं, या फिर पूरे कंट्री के लिए हैं, या फिर इंटरनेशनल हैं। तो इनको हम देखते हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वो रिसोर्सेज जो एक पर्सन के हैं, मींस हम अपना देखते हैं, फॉर एग्जांपल आवर प्रॉपर्टी, होम, फील्ड्स, वो सब क्या है, वो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, मींस उसके ऊपर क्या है, वन पर्सन या फिर फैमिली, वन पर्सन या फिर फैमिली की ओनरशिप होती है। तो क्लियर। सेकंड देखते हैं हम कम्युनिटी, जो क्या है, वो रिसोर्सेज जिनके ऊपर किसी एक फैमिली या एक पर्सन का ओवरना नहीं है, एक उसका कंट्रोल नहीं है, वो एक कम्युनिटी के लिए बनाए गए हैं, कम्युनिटी के लिए। इसमें देखते हैं हम पब्लिक पार्क्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये वो रिसोर्सेज हैं जो क्या है, कम्युनिटी यूज करती है। पब्लिक पार्क ऐसा तो नहीं है कि हमारा अपना है या फिर इसको और कोई यूज नहीं कर सकता, इसको एक जिस भी कम्युनिटी के लिए बनाए हैं, जिस भी एरिया में बने हैं उसमें सब यूज कर सकते हैं, सबका इक्वल पार्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट आती नेशनल, नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा जो एक पूरे नेशन के लिए, जैसे इंडिया में जितनी भी टेरिटरीज हैं उसके ऊपर क्या है, स्टेट्स हैं हमारे 28 स्टेट, 9 यूनियन टेरिटरी, ये क्या है, ये वो हैं जिसके ऊपर फुल कंट्री का कंट्रोल है, उनको कोई भी हमसे ले नहीं सकता है। तो ये क्या है बेटा, ये वो रिसोर्सेज मीन्स अपने नेशन का कंट्रोल है उनके ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करें, कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, जो भी जिन जो भी ये है हमारे पास, ये क्या है, या फिर मिनरल्स हैं, कोई भी मिनरल इंक्लूड कर लिया हमने, जो भी मिनरल्स हैं
उसको ऐसा तो नहीं है कि कंट्री से मिनरल्स के ऊपर किसी एक पर्सन का है या कम्युनिटी के लिए है, नहीं, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना बेटा, वो किसके ऊपर, उसके ऊपर कंट्री का कंट्रोल है, वो कंट्री की इंडस्ट्रीज के लिए यूज किए जाते हैं, कंट्री के अंदर ही यूज किए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको हम बाहर की कंट्रीज को देते हैं तो उसके बदले में हम क्या है, उसके बदले में हम उनसे क्या है, पैसा लेते हैं। तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स मीन्स एक कंट्री के अंदर के, चाहे वो सारे स्टेट्स हैं, उसका लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया के अंदर आने वाले मिनरल्स हैं, वो सब किसके होते हैं, नेशन के होते हैं। अब नेक्स्ट आती है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं बेटा जो ना तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के होते हैं, ना ही उनके ऊपर किसी कम्युनिटी का कंट्रोल होता है, ना ही नेशन का होता है। वो मीन्स वो रिसोर्सेज जो कहाँ किस लिए, जो इंटरनेशनल यूज के लिए बनाए गए, मीन्स सारे कंट्रीज का इक्वल क्या हो जाता है, इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। वो कैसे, अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज आते हैं, तो बेटा कुछ रिसोर्स देखें, हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री में इस साइड अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ओके, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है। लेकिन हमारा ऐसा तो नहीं है कि अरेबियन सी हमारी कंट्री का है या फिर ये बे ऑफ बंगाल हमारी कंट्री की है, नहीं, हम इंडियन ओशियन के अंडर आते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल कहाँ तक है, हमारा कंट्री का जो कंट्रोल है वो जो लैंड एरिया है ना, लैंड बाउंड्री है, उसके बाद 12 NT का एरिया है। NT मीन्स नोटिकल माइल्स, जो वाटर के अंदर हम ये काउंट करते हैं उसको बोलते हैं नोटिकल माइल्स, नोटिकल माइल्स तक, 12 नोटिकल माइल तक, नोटिकल माइल्स तक क्या है, इंडिया का क्या है, कवरेज एरिया है। मीन्स इतने एरिया तक क्या है, इंडिया का अपना पार्ट है वाटर के अंदर भी। क्लियर, नोटिकल माइल्स को हम बात करें तो इसमें आते हैं 1.12 नोटिकल है, इसमें 1.9 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट जाता है बेटा ये। तो 1.9 किलोमीटर का एरिया वाटर के अंदर किसका है, नेशनल है, मीन्स हमारी कंट्री का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 12 to 200 नॉटिकल माइल्स तक, 12 से माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। उसके बाद यहाँ तक हमने किया, चलो हमने इतना मान लिया, यहाँ तक ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ तक है नेशनल रिसोर्सेज में। उसके बाद जितने भी ये वाटर रिसोर्सेज आते हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन, आर्कटिक, अंटार्कटिक, जो भी है, उसमें किसका है, उसमें मेनली किसका रोल है, उसमें सभी कंट्रीज का इक्वल पार्टिसिपेशन है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। क्लियर, सिंपल सी थिंग है बेटा, हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री की लैंड बाउंड्री यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके ख़त्म होने के बाद 12 नोटिकल माइल्स, जो क्या है, नोटिकल माइल्स होती हैं वाटर के अंदर, जो जैसे किलोमीटर्स में काउंट करते हैं हम लैंड एरिया को, तो नोटिकल माइल्स में इसको काउंट किया जाता है। तो 12 नोटिकल माइल्स तक इंडिया की और नसीब है। उसके बाद कुछ जोन आता है जो किस में आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो 12 to 200 तक है, उसके बाद का जितना भी वाटर एरिया है उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी थिंग बताई है बेटा मैंने। हमारा जो रिसोर्सेज है उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया, उनको मेनली हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स में आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, बेसिस ऑफ अवेयरनेसशिप, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो मीन्स जो बने ही कैसे हैं, उनमें कौन से आते हैं, 2 आते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक चीज मीन्स जिसमें लाइफ की प्रेजेंस है, इसमें सभी क्या आते हैं, प्लांट्स एनिमल्स आते हैं, प्लांट एनिमल किंगडम के अंदर सभी कुछ, चाहे वो हर्ब्स शर्ब्स ग्रास लैंड्स कुछ भी है, फिर या फिर एनिमल्स के अंदर कोई भी एनिमल है, और ह्यूमंस वो किसके अंदर आते हैं, बायोटिक। एबायोटिक में जिसमें लाइफ की प्रेजेंस नहीं है उसमें कौन सी है, लैंड, सोयल, वाटर, मीन्स आप यू कैन अंडरस्टैंड, जिनमें लाइफ की प्रेजेंस नहीं है एबायोटिक रिसोर्सेज। एडजस्टबिलिटी के रीन्यू किया जा सकता है, नॉन रीन्यू किया जा सकता है, रीन्यू मीन्स जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है,
जैसे कि सनलाइट। सनलाइट क्या है? सनलाइट बेटा जो सन है आज से लाखों सालों पहले भी शाइन कर रहा है और आज के लाखों सालों बाद भी ये ऐसे ही शाइन करने वाला है। तो ये क्या रिन्यूएबल है? नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाने वाले, जैसे कोल, पेट्रोलियम। और ऑनरशिप के बेस पे तो सिंपल सा डिवीजन है बेटा। एक वो रिसोर्सेज होते हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर फैमिली का ओनरशिप होती है। कम्युनिटी जो एक कम्युनिटी के लिए बनाए जाते हैं, पब्लिक पार्क, पब्लिक ये सॉरी हॉस्पिटल्स, ये सब क्या है? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में आते हैं। उसके बाद नेशनल, जिसके ऊपर एक कंट्री का रूल होता है, कंट्री के अंदर का एरिया, चाहे वो क्या है, सारे स्टेट्स हैं उसके अंदर, स्टेट्स के अंदर जितनी भी लैंड है या वाटर है, या फिर उसमें आते हैं रिसोर्सेज मिनरल्स, वो हैं, वो सब क्या है? नेशनल रिसोर्सेज हैं। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मीन्स बिल्कुल सिंपल सा है, मीन्स जिनके ऊपर इन तीनों का कोई रूल नहीं होता, इन तीनों का कोई ओवरनरशिप नहीं होती, ना तो इंडिविजुअल होती है, ना कोई कम्युनिटी की होती, ना ही किसी कंट्री की होती है, वो क्या होते हैं? इंटरनेशनल मीन्स उसको कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन उसको उसके में क्या क्या आते हैं मेनली? जो वोटर बॉडीज हैं, वोटर बॉडीज हैं मेनली जो हमारे इसमें आते हैं मेनली ओशियंस। तो जो ओशियंस हैं वो किसके अंदर? इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। क्लियर यहाँ तक? कल हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स जो रिसोर्सेज हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, वो पोटेंशियल हैं, एक्चुअल हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, मीन्स वो डेवलप कैसे हुए हैं, वो बने कैसे हैं, तो उसके बेस पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहीं तक करने वाले हैं बेटा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।